जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया गया है, वहीं यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर एनडीए और यूपीए में घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, जहां एक तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। राष्ट्रपति का चुनाव होना है, क्या उम्मीदें हैं आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से? देखिए, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के विचारधारा की लड़ाई है। हम उस लड़ाई में अपना साझा प्रत्याशी जो जसवंत सिन्हा जी को खड़ा किए हैं उनके साथ हैं। बाकी सभी दलों का निर्णय अपना अपना होता है, निश्चित रूप से वो भी अच्छा ही कुछ सोच करके निर्णय लेंगे। उनकी पार्टी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसमें चूंकि गठबंधन जो हुआ था वो विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ था और उस मद्देनजर वो गठबंधन तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने अभी तक कहीं ना कहीं सस्पेंस बनाया हुआ है। ऐसे में जेएमएम का कहने कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह जरूरी नहीं है कि विचारधारा एक दूसरे से मिले। महुआ माझी राज्यसभा सांसद क्या कुछ कह रहे इस पूरे मामले पर सुनिए। देखिए, गठबंधन तो सब कुछ सही चल रहा है, अगर सही नहीं चलता तो अभी मांडर उपचुनाव में आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजद जेएमएम और कांग्रेस ने किस तरह से मिलकर वो सीट निकाला और लगातार चार बार जो चारों उपचुनाव हुए उसमें सीट निकले हैं हमारे। नहीं नहीं, ऐसा तो लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के चलते दुविधा में है। देखिए, दुविधा की बात नहीं है, अभी पार्टी मीटिंग हुई है, वहाँ से दिल्ली से भाजपा की तरफ से हमारे पास अनुरोध आया था, उस अनुरोध के बारे में मीटिंग हुई। मीटिंग में सारे विधायक और सांसदों ने इस पर बात की और कहा कि एक बार बैठ के बात कर लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, अगर दोनों में सहमति बने उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। तो वो सारी बातें करने के लिए वो गए थे, अब पार्टी मीटिंग होगी फिर निर्णय लिया जाएगा। मैम, कांग्रेस ने कहा तो इन सबसे अलग जदयू ने जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ पार्टी आदिवासी हितों की बात करती है तो दूसरी तरफ अब तक स्टैंड नहीं क्लियर किया गया है, जेएमएम को जवाब देना चाहिए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड पूर्व में भी कहती रही है और मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग झारखंड में आदिवासी का ठेकेदार बनते हैं, जो आदिवासी के सबसे बड़े हितैषी होने की बात करते हैं, वैसे लोग जो हैं, जब जनजाति समुदाय की द्रौपदी मुर्मू, जिनका झारखंड से गहरा जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, यहाँ राज्यपाल के रूप में उन्होंने 6-7 वर्षों तक सेवा दी है राज्य के जनता को, वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाने के बावजूद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपना नहीं कर रही है घोषणा, तो ये दिखाता है कि वो केवल जो है जनजाति समुदाय को ठगने का काम करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई हमदर्दी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की नहीं है। नहीं, देखिए।